हेलो स्वामी को व्यूवर्स, क्या हाल? उम्मीद आप खैर होंगे। मेरा नाम है अजीम और एक और नए वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि बैटरी किस तरह काम करती है, बैटरी का स्ट्रक्चर हो गया, बैटरी का वर्किंग प्रिंसिपल्स हो गया, ठीक है, किस तरीके से बैटरी का काम करने का तरीकेकार क्या है, सेल्स कौन से होते हैं इसमें, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जो एसिड होता है, बैटरी वाटर जिसको कहा जाता है, वो किस तरह काम करता है, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट कौन सी है, नेगेटिव प्लेट इसकी जो है कौन सी है, प्रॉपर डिटेल में डिस्कस हम कर चुके हैं कि बैटरी किस तरह काम करती है अपना, हाउ डज इट वर्क बैटरी, लेड एसिड बैटरी। मैं इससे अभी जो मैंने पिछली जो वीडियो बनाई है वो लेड एसिड बैटरी पे बनाई है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि लेड एसिड बैटरी एंड ड्राई बैटरी, लेड एसिड बैटरी एंड ड्राई बैटरी डिफरेंस, कि इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें कौन से ऐसे डिफरेंस हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी जो है मैंने कुछ लेड एसिड बैटरी, ड्राई बैटरी और लिथियम बैटरी जो कि आजकल बहुत ज़्यादा अरूज पर है, लिथियम बैटरी पहले किसी को नहीं मालूम था, पहले हमारे पास दो ही बैटरियाँ इस्तेमाल होती थी, एक होती थी लेड एसिड बैटरी और दूसरी हमारे पास इस्तेमाल होती थी ड्राई बैटरी। ड्राई बैटरी ऑब्वियसली सबको पता होगा ड्राई बैटरी कौन सी होती है, विदाउट वाटर ड्राई बैटरी वो होती है जिसके अंदर पानी इस्तेमाल नहीं होता, एसिड हम नहीं डालते, सील्ड बैटरी होती है, जस्ट उसको आपने क्या करना होता है, एक दफ़ा लेना होता है, उसके बाद उसको आप यूज़ करते हैं, उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं होती, जबकि लेड एसिड बैटरी की आप मेंटेनेंस करवाते हैं और लिथियम बैटरी भी जो होती है मेंटेनेंस फ्री होती है, ठीक है। तो आज हम इन तीनों बैटरियों को जो है डिस्कस करेंगे, लेड एसिड बैटरी, ड्राई बैटरी एंड लिथियम बैटरी क्या काम करती है, ठीक है। तो ये तीनों बैटरीज को आज हमने इनमें जो डिफरेंस है वो चेक करेंगे, डिफरेंस हो गया, एडवांटेजेस हो गए, डिसएडवांटेजेस हो गए इनके क्या है, ताकि आप कल को अपनी गाड़ी के लिए कोई भी बैटरी बाय करते हैं तो आपको गाड़ी की बैटरी बाय करने में आसानी हो। लेकिन उससे पहले आपने मेरी ये वीडियो लाजमी देख लेनी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बैटरी काम किस तरह करती है। आपको जब पता होगा एक चीज़ के बारे में कि वो चीज़ काम किस तरह करती है, तो फिर आपको जो है वर्किंग प्रिंसिपल का पता होगा, तो फिर आपको दूसरी जब मेरी वीडियो देखेंगे डिफरेंस की, तो उसमें आपको ईजिली अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कौन सी बैटरी बाय करनी है। कुछ गाड़ियों के लिए जो है लेड एसिड बैटरी ही रिक्वायर्ड होती है और कुछ के लिए जो है ड्राई बैटरी रिक्वायर्ड होती है, कुछ जो है लिथियम बैटरी इस्तेमाल करते हैं। तो चले आए चलते हैं अपने टॉपिक की जाने, बिना टाइम वेस्ट करें और डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक को, ठीक है। तो लेड एसिड बैटरी, ड्राई बैटरी और लिथियम बैटरी, तो वैसे ऑब्वियसली आप सबको पता होगा, नहीं तो मैं इसमें एक पिक्चर मेंशन कर दूंगा आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो लेड एसिड बैटरी हो गई, ड्राई बैटरी हो गई, लिथियम बैटरी हो गई, इनके आज हमने डिफरेंस डिस्कस करने कि इन तीनों बैटरीज में डिफरेंस क्या है, इनकी परफॉर्मेंस क्या है, इन ये किस तरह इन ये काम करने का जो तरीक़ेकार होता है, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में मैंने इसी वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि जो बैटरी होती है, बैटरी का जो काम करने का तरीक़ेकार होता है, वो चाहे लेड हो या लेड एसिड बैटरी हो, ये इसका नाम वाटर बैटरी हो पानी वाली, या ड्राई बैटरी हो जो सील्ड होती है, या लिथियम बैटरी हो, लिथियम बैटरी भी सील्ड होती है, विदाउट मेंटेनेंस होती है। तो इन तीनों बैटरी का, और इवन की कितनी ही बैटरी हमारे इस इवन के सेल हो गए, जो छोटे सेल होते हैं, मोबाइल की बैटरी होती है, घड़ी की बैटरी होती है, कोई सा भी सेल हो, बैटरी कोई सी भी हो, कोई सी भी ऐसी चीज़ जो चार्जिंग को, जो इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज और डिस्चार्ज करती हो, वो बैटरी कहलाती है। और कोई सी भी बैटरी हो, इवन के जब से बैटरी बनना स्टार्ट हुई है तब से अब तक जो है बैटरी का वर्किंग प्रिंसिपल जो है चेंज नहीं हुआ, वर्किंग प्रिंसिपल वही रहा है जो बैटरी का वर्किंग प्रिंसिपल था। मैंने इस बैटरी में इस उसमें मैंने आपको समझाया था इस डायग्राम में कि हम दो लेड, जो कि हमारा लेड होता है, ये जो लेड है मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस करा है, लेड एक मेटल होता है जो कि 300 सेल्सियस पे इजीली जो है मेल्ट हो जाता है। इस लेड की दो रॉड को हम इस्तेमाल करते हैं, दो रॉड को हम किस तरह कुछ इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव बनाते हैं, और इसके अंदर इन दो रॉड को किसी जग किसी डब्बे में हम अंदर रख के उसमें जब हम एसिड डालते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड जब हमारे इस दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के कांटेक्ट में आता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्लेट के साथ रिएक्शन करते हैं, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। पॉजिटिव को पॉजिटिव चार्ज करता है सल्फ्यूरिक एसिड, और नेगेटिव को नेगेटिव चार्ज करता है, और वो चार्जिंग जो होती है हम अपने यूज़ में लेते हैं एज अ लोड, और जब वो लोड जब वो चार्जिंग ख़त्म हो जाती है तो हम इसी बैटरी को दोबारा से स्टैटिक चार्ज या इंजन के डायनमो से हम बैटरी को दो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल लगा के इलेक्ट्रिसिटी जब इन दोनों सेल्स को दी जाती है तो क्या होता है, फिर ये दोबारा से रिचार्जेबल हो जाती है, दोबारा से रिचार्ज हो जाती है, और ये फिर दोबारा से जो है
काम के लिए रेडी होती है। ठीक है, तो इसको मजीद डिस्कस नहीं करेंगे आज, हमने खाली डिस्कस करना है डिफरेंस, क्योंकि ऑलरेडी इस पे एक पहली डिटेल वीडियो बनी है तो वो आपने लाजमी देख लेनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट डिफरेंस क्या है। सबसे पहला जो डिफरेंस है, सबसे पहला ऑब्वियसली डिफरेंस प्राइस का है। आप लोगों को पता होगा कि जाहिर सी बात है, जिस किस चीज़ के पैसे कम होते हैं उसका जो काम होता है, उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल्स होता है, उसकी काम करने की जो एफिशिएंसी, उसकी जो कारकर्दगी होती है, सिंपल बात है कम होती है। और जिस चीज़ के पैसे ज़्यादा होते हैं तो उसके जाहिर सी बात है उसकी चीज़ के हिसाब, वो जो चीज़ आप बाय कर रहे हो, अगर वही चीज़ एक सस्ती मिल रही हो और एक दूसरी महंगी मिल रही हो, तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो लेड एसिड बैटरी जो होती है सस्ती होती है, और जो ड्राई बैटरी हो गई वो थोड़ी लेड एसिड के मुकाबले में महंगी होती है, और जो लिथियम बैटरी होती है जो कि अब इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि पहले लिथियम का नाम नहीं था, पहले लिथियम इस्तेमाल नहीं होती थी, लेकिन अब लिथियम बैटरी जो है हर कोई अब लेड एसिड को भी बाय नहीं कर रहा, ड्राई को भी बाय नहीं कर रहा, डायरेक्ट जो बंदा है वो लिथियम बैटरी पे जा रहा है। कॉस्ट इसकी हाई होती है, तो लेड एसिड के मुकाबले में ड्राई बैटरी जो होती है थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, और उससे भी ज़्यादा जो होती है एक्सपेंसिव वो लिथियम बैटरी होती है। तो चलिए अब हम इसमें डिफरेंस देख रहे हैं कि अगर ये बैटरी इतनी महंगी हैं तो क्यों महंगी, इनके एडवांटेजेस क्या हैं लेड एसिड के मुकाबले में ड्राई के, और लिथियम के क्या एडवांटेजेस हैं, इनके पैसे क्यों ज़्यादा हैं। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है वो ये है कि आई टेक मोर टाइम इन चार्जिंग। लेड एसिड बैटरी जो होती है हमारा चार्जिंग में ज़्यादा टाइम लेती है, यानी इसमें इसको चार्ज होने में टाइम लगता है, जबकि इसकी नस्बत जो है ड्राई बैटरी और लिथियम बैटरी जो होती है क्विकली चार्ज होती हैं, इतना टाइम नहीं लेती। फॉर सपोज अगर आपकी लेड एसिड बैटरी जो है घंटे में चार्ज हो रही है, तो लिथियम बैटरी हो गई, ड्राई बैटरी हो गई आपकी, वो कोई पौन घंटे में चार्ज हो जाती है, यानी इससे 25% कह लें कि जो होती है जल्दी चार्ज होती है। अब हम बात करते हैं डिस्चार्जिंग की, तो तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास है लेड एसिड बैटरी का डिस्चार्ज क्विकली, डिस्चार्ज जो होती है ये जल्दी हो जाती है, जबकि इसके मुकाबले में जो है अपना हमारी जो ड्राई बैटरी होती है, लिथियम बैटरी होती है, इतनी जल्दी डिस्चार्ज नहीं होती। बैटरी केयर हैज़ टू बी मेंटेन, पांचवा जो है हमारे पास है बैटरी केयर हैज़ टू बी मेंटेन। तो लेड एसिड बैटरी को क्या करना पड़ता है, हमें मेंटेन रखना पड़ता है, इसकी केयर करनी पड़ती है। अगर आप इसको ऐसी छोड़ देंगे, लेड एसिड बैटरी को, पानी वाली बैटरी को ऐसी छोड़ देते हैं कि लगा के छोड़ दिया और आप भूल गए, तो एक टाइम क्या होगा, इसमें पानी ख़त्म होगा, और पानी ख़त्म होने के बाद क्या होगा, फिर इस ये जो बैटरी होगी, अगर इवन आपने पानी नहीं चेक करा और आप गाड़ी को ऐसी चलाते रहे, क्योंकि हमारा जो डेनमो चार्जर होता है वो ऑटोमेटिकली चलता रहता है, काम करता रहता है डेनमो आपका, अगर इसके अंदर पानी नहीं होगा बैटरी में, तो डेनमो आपका चार्जिंग नहीं रोकेगा, क्योंकि डेनमो चार्जिंग को सेंस करता है, अगर बैटरी में चार्जिंग नहीं है तो डेनमो बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देगा। और अगर आपकी लेड एसिड बैटरी में पानी नहीं हुआ, वाटर नहीं हुआ, एसिड नहीं हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड ख़त्म हो गया, क्योंकि जब बैटरी चार्ज होती है तो बॉयल होती है, बॉयल होने के बाद क्या करती है, वो अपना तेजाब को जो है अपना हवा में जो है भाप बन के उड़ जाता है तेजाब। तो अगर पानी ख़त्म हो गया तो आपकी बैटरी जलने का खतरा है, जबकि जो हमारी ड्राई बैटरी है और लिथियम बैटरी का जो पांचवा डिफरेंस है वो मेंटेनेंस फ्री है, यानी आपने बस एक दफ़ा ले ली, लेने के बाद आपने उसको गाड़ी में लगा लिया, उसके बाद आपने एक रुपए की भी उसमें मेंटेनेंस नहीं करनी, जस्ट उसको चार्ज करना है और डिस्चार्ज होगी फिर आपने चार्ज कर लेना, गाड़ी आपकी ऑटोमेटिकली काम करती रहती है। दो दो तीन तीन साल गाड़ियों में ये बैटरियाँ लगी रहती हैं, और जब ये ख़राब होती हैं तो बस एक दफ़ा जो है फिर ये गाड़ी से निकलती हैं और दोबारा जो है रिपेयरेबल नहीं होती, ये स्क्रैप होती है, जबकि लेड एसिड बैटरी जो थी आपकी रिपेयर हो जाती है, लेकिन फ़ायदा नहीं है रिपेयर करने का, जितने में आपको ड्राई बैटरी या लिथियम बैटरी मिल रही है इतने में जो है आप जितना टाइम आपकी ड्राई और लिथियम बैटरी निकालती है इतने में आप कोई लेड एसिड बैटरी को दो मरतबा रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, एक तो मेंटेनेंस का हमारा जो खर्चा था वो बच गया, और जो छठा एडवांटेज है वो है नो एसिड। इसके अंदर जो है अपना ड्राई और लिथियम बैटरी में जो है अपना एसिड इस्तेमाल नहीं होता, इसमें जो है कंपनी पैक जो होता है जेल इस्तेमाल होता है, कुछ में जेल होता है, कुछ में डिफरेंट एसिड होता है, तो आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेंटेनेंस फ्री बैटरी होती है तो इसमें आपको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जबकि जो सातवां डिफरेंस है वो है शॉर्ट लाइफ। लेड एसिड बैटरी की जो लाइफ होती है वो बहुत ही बहुत मीन्स तकरीबन कोई साल से डेढ़ साल, हद ए साल या डेढ़ साल लेड एसिड बैटरी की लाइफ होती है, और जो ड्राई बैटरी हो गई और लिथियम बैटरी हो गई इनकी जो लाइफ होती है वो कम से कम भी, अगर आपने कोई अच्छी बैटरी बाय करी है, न्यू बैटरी बाय करी है,
तो इसकी लाइफ जो होती है ड्राई और लिथियम की कुछ नहीं कुछ नहीं, 2 साल तो, 2 से 2.5 साल तो वैसे ही कुछ नहीं होता आपकी बैटरी को, न्यू बैटरी को साल की लिथियम और ड्राई बैटरी की वारंटी होती है, और 2 साल तक तो वैसे ही उसको कुछ नहीं होता। और अगर आपने बैटरी की केयर करी है तो ये आपकी जो बैटरी है कम से कम भी कोई लिथियम और ड्राई बैटरी आपकी 4 से 5 साल इजीली निकालती है, इजीली 4 से 5 साल जो है आपके गुजारती है लिथियम बैटरी और ड्राई ड्राई बैटरी, जबकि लेड एसिड बैटरी जो है इतना टाइम नहीं गुजारती। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तीनों बैटरीज के हवाले से मैंने आपको डिफरेंस बताया कि कौन सी बैटरी, तीनों बैटरियों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, लेड में क्या डिफरेंस होता है, ड्राई में क्या डिफरेंस होता है, लिथियम में क्या डिफरेंस होता है, इन तीनों बैटरीज को आपने जो है तीनों बैटरीज के डिफरेंट को प्रॉपर सही से समझना है, और तीनों बैटरी के डिफरेंस को समझते हुए जो है आपने बैटरी को बाय करना है। एसिड लेड एसिड बैटरी बाय करते हैं तकरीबन साल भर उसकी लाइफ होती है, फिर उसमें मेंटेनेंस भी आपको करानी पड़ती है, जबकि ड्राई बैटरी जो होती है लेड के मुकाबले में थोड़ी महंगी होती है लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, 1 साल की वारंटी भी आपको इसमें मिलती है, जबकि लेड में आपको 6 महीने की वारंटी मिलेगी, ड्राई बैटरी में आपको 1 साल की वारंटी मिलेगी, और 1 साल तो ऐसी चलती है कि कोई काम नहीं निकालती बैटरी, क्योंकि अपनी वारंटी वो इजीली पूरी कर लेती है 1 साल। और मज़ीद अगर आपने बैटरी को मेंटेन रखा है, जैसे कि आपने कोई बहुत ज़्यादा उसको यूज़ नहीं करा, बहुत ज़्यादा कोई इसको चार्ज डिस्चार्ज या हैवी लोड उस पर इस्तेमाल नहीं करा, तो ड्राई बैटरी मज़ीद आपकी जो है 2 से 2.5 साल 3 साल तक निकाल देती है, और जो लिथियम बैटरी है ऑब्वियसली उसकी तो वारंटी ही 2 साल की आती है, कहीं से अगर आप सही आप अच्छी बैटरी बाय करेंगे तो 2 साल उसकी वारंटी होती है, और लिथियम बैटरी जो है कम से कम कुछ नहीं कम बेस 3 से 4 साल 5 साल आराम से गुजारती है। हमारे यहाँ कुछ स्क्रैप में जो है लिथियम बैटरी आती हैं, कुछ लोग जो है वो पुरानी लिथियम बैटरी हैं जिनमें चार्जिंग होती है वो बाय करते हैं, और उन पुरानी बैटरीज को जो है 2 से 3 3 साल जो है ईजिली अपने घर में यूज़ करते हैं। तो आप खुद सोचें कि एक चीज़ जो बाहर से स्क्रैप होकर आ रही है और उसके आने के बाद भी वो हमारे को जो है 2 से 3 साल बैकअप दे रही है, तो जहां वो चली होगी पहले उसने अपनी जो है मियाद पूरी करी, मियाद पूरी होने के बाद बाहर मुल्क से फिर वो हमारे पास आती है और फिर हम उसको मजीद अपने साथ मजीद अपने पास जो है 2 से 3 साल इस्तेमाल करते हैं, तो सोचें लिथियम बैटरी का कितना बैकअप होगा। तो लिथियम बैटरी ऑब्वियसली नई बाय करना तो बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत मुश्किल होता है, नई बैटरी जो है उसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन लाइफ भी उसकी बहुत बहुत ज़्यादा होती है। तो ये समझिए कि अगर लिथियम बैटरी आप कोई नई बाय करते हैं तो कम नई बैटरी को बाय करते हैं तो कम से कम आपकी 5 साल की छुट्टी होती है, जबकि ड्राई बैटरी भी आपका अच्छा बैकअप देती है, 2 से 3 साल ड्राई बैटरी जो है इजीली निकालती है, और लेड एसिड बैटरी आपके साल इजीली निकालेगी लेकिन साल से ऊपर की कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तीनों बैटरीज के हवाले से मैंने डिफरेंस बताया, अगर कोई डिफरेंस मुझसे रह गया हो या आपको कोई चीज़ जो है समझ नहीं आई हो या कोई आपके जहन में सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मेरा मौजूद होता है, और वीडियो आप मेरे को कमेंट्स भी कर सकते हैं, सबके कमेंट्स देखता हूं और मैं कमेंट्स देख के सबको रिप्लाई भी करता हूं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम सीखेंगे कि हमने बैटरी को किस तरह से इंजन में इंस्टॉल करना है, ठीक है। हम अपनी बैटरी को जब गाड़ी में या कहीं भी इंस्टॉल करते हैं, किसी भी जगह गाड़ी में किसी भी जगह हम गाड़ी हो या कोई भी A to Z UPS हो, कहीं भी हम बैटरी को इंस्टॉल कर रहे हैं, लगा रहे हैं या बैटरी को निकाल रहे हैं, तो हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हम देखेंगे, उसमें सीखेंगे कि हमने बैटरी को किस तरह से इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।